कोलरोस का नियम पढ़ा रहा था, और इस नियम के अनुसार क्या बताया बोलो, विद्युत अपघटन की अनंत अनुता पर मौलिक चालकता उसका आयनों की अनंत अनुता के मौलिक चालकता के योग के बराबर होती है। दो एग्जाम्पल बताए मैंने आपको। राइट आ गई है ना। ओके, देखो क्वेश्चन क्या करा रहा था। मैंने कहा यदि एल्यूमिनियम प्लस थ्री और SO4 माइनस थ्री की अनंत अनुता में मौलिक चालकता क्रम से 5 और 10 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, तो Al2 SO4 होल क्लोराइड 3 की अनंत अनुता पर मौलिक चालकता क्या होगी। ठीक है, बात समझ में आई बोलो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले Al2SO4 होल क्लोराइड 3 तोड़ोगे तो क्या होगा, 2Al+3 और SO4 होल क्लोराइड SO4 टू 3SO4 होल बोलो -2। क्लियर, ऐसे ही तोड़ेंगे। अरे ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, ऐसे ही तोड़ता है ना। ठीक है, तो अनंत अनुता पर मौलिक चालकता का फॉर्मूला क्या बनाएंगे। आप कहोगे एल्यूमिनियम की अनंत अनुता पर मौलिक चालकता का इस बोलो प्लस SO4 की अनंत अनुता पर मौलिक चालकता। एक एल्यूमिनियम की कितनी दे रखी है, 5। एक SO4 की कितनी दे रखी है, 10। 5 10 और यहाँ पर 30, टोटल कितना हो जाएगा, 40। बोलो जो यूनिट दे रखी है वही ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आया समझ, बोलो, नोट कर लो।
ठीक है, कोलरोस ने बात बताई, समझ में आए बोलो आपको। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पर समझो। स्पेशल नोट, मैंने कहा सपोजेड ए एक्स बी वाई एक इलेक्ट्रो लाइट है, क्लियर? बोलो क्या है ए एक्स बी वाई। बोलो अगर ये टूटेगा तो एक्स ए प्लस वाई वाई बी माइनस एक्स, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। बोलो ओके। अगर मुझे अनंत अनुता पर मोलर चालकता का सूत्र बनाना हो, ठीक है, बोलो किसके लिए, ए एक्स बी वाई का, तो कोई दिक्कत नहीं। एक्स बोलो अनंत अनुता पर मोलर चालकता, क्लियर? वाई बी माइनस एक्स की अनंत अनुता पर मोलर चालकता। लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर यही मुझे अनंत अनुता पर तुल्यांक चालकता का फॉर्मूला बनाना, क्लियर? ए एक्स बी वाई का, तो उसका फॉर्मूला होता है वन अपॉन वाई, बोलो ए प्लस वाई, और यहाँ पर वन अपॉन एक्स बी माइनस एक्स का रूट, क्लियर? बात समझ में आए बोलो। अब ये कैसे हुआ और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इमेजिन करो कि अगर आपको ये मैं नहीं बताता, क्लियर, और एग्जाम में आपसे पूछ लिया AlCl3 का AlCl3 या Na2SO4, क्लियर, ऐसा एग्जाम्पल लूँ जो मैंने अभी नहीं लिया है, क्लियर? ओके। बोलो का अनंत अनुता पर तुल्यांक चालकता का सूत्र होगा, ठीक है, और पहला ऑप्शन बोलो Na प्लस अनंत अनुता पर SO4 माइनस 2 अनंत अनुता, यहाँ पर मैं देता 2 Na प्लस बोलो SO4 माइनस 2, क्लियर, मैं आपको देता Na प्लस 2 SO4 माइनस 2, और मैं देता आपको Na प्लस बोलो SO4 माइनस 2। आप तो पक्का क्या करते, बी करते। अरे पक्का क्या करते, बी करते, जबकि इसका आंसर बी न होकर क्या है, सी है, क्योंकि अब मैंने क्या पूछ लिया, अनंत अनुता पर तुल्यांक चालक। बात समझ में आए? तो मैंने आपको एक बार अभी प्रूव करके बताऊंगा ये कैसे आया। एक बार तो आपका काम आसान कर दिया मैंने कि भाई कंपटीशन में तो अगर ये दो पता है तो आपका काम हो ही जाएगा। मोलर चालकता का फॉर्मूला पूछेगा तो भी कर लेंगे, तुल्यांक चालकता का तो पूछेंगे तो भी कर लेंगे। जैसे इसका सॉल्यूशन करूंगा तो Na2SO4 माइन Na2SO4 है, तोड़ूंगा तो क्या भरूंगा, 2Na प्लस और SO4 माइनस 2। तो जो मैंने टेक्निक बताई है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनाओगे तो इसकी पावर वन है, वन अपॉन वन, लिखू नहीं लिखू कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर। और Na प्लस इसका क्या है, बोलो 2 है तो 1/2 SO4 माइनस 2, और टिक कर दिया। बात समझ में आए बोलो। ओके, मेरी बात समझे समझे बोलो। ठीक है, अब ये तो हमें समझ में आता है कोलोस ये कैसे आया, ठीक है, तो इसके लिए फिर क्या बता रहा हूँ, ये तो मैंने स्पेशल नोट बताया, ठीक है। दूसरा स्पेशल नोट, मैंने कहा आप अच्छे से जानते हो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इनटू बैलेंस इफेक्ट, क्लियर, बोलो क्या होता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आए, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इनटू बैलेंस इफेक्ट, क्लियर। ओके, अच्छा ट्रिक भी बताता हूँ कि दुनिया में सब चीज भूल सकता है, इंसान अपना नाम नहीं भूलता है। यानी पहले नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, क्लियर। अच्छा अब मुझे तो अभी इस चैप्टर में तो मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस उससे लेना देना है, तो उसका फॉर्मूला क्या था, कप्पा 1000 अपॉन m, क्लियर। मैंने कहा इसका फॉर्मूला क्या था, कप्पा
थाउजेंड अपॉन एन, बोलो बात समझ में, ओके। और मुझे चाहिए इन दोनों में रिलेशन, क्या चाहिए इन दोनों में रिलेशन। तो मैंने कहा एक काम करता हूँ, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिवाइड बाय मोलर कंडक्टेंस, क्लियर। तो ये कप्पा, ये थाउजेंड अपॉन एन, ये कप्पा, ये थाउजेंड अपॉन एम, क्लियर। कप्पा से कप्पा कट गया, थाउजेंड से थाउजेंड कट गया, ऊपर कौन आ जाएगा एम, नीचे कौन आ जाएगा एम, कोई दिक्कत नहीं, बोलो ओके। अच्छा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिवाइड बाय मोलर कंडक्टेंस, क्लियर। मैंने कहा यार यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलो, नॉर्मलिटी की जगह मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर लिख सकता हूँ, मोलरिटी मोलरिटी कट हो गया। तो मुझे क्या पता चला कि अगर मुझे कभी मोलर कंडक्टेंस को इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में बदलना है तो मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, वैलेंसी फैक्टर से, क्लियर। और वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, टोटल पॉजिटिव या टोटल टोटल नेगेटिव चार्ज, ओके, यही होता, बोलो बात समझ में आए, बोलो ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आई, बोलो। अब मैंने कहा यहाँ पर, क्लियर, समझो, वापस आ जाते हैं, ये ए एक्स बी वाई, बोलो यहाँ पर करूँगा तो एक्स ए प्लस वाई, वाई बी माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। अनंत अनंतता पर मोलर चालकता क्या आया था, एक्स ए प्लस वाई, वाई बी माइनस एक्स, ये आया था। मुझे इसको किस में बदलना है, अनंत अनुता पर तुल्यांक चालकता में। तो बताओ अनंत अनुता पर तुल्यांक चालकता में बदलूंगा तो इसमें मुझे किसको डिवाइड करना पड़ेगा, वैलेंसी फैक्टर में, बोलो। इसको भी किससे डिवाइड करना पड़ेगा, वैलेंसी फैक्टर से। और मैंने कहा इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज, तो मैंने कहा वैलेंसी फैक्टर होगा x इंटू वाई, और होगा कि नहीं होगा, बोलो, x इंटू वाई, क्लियर। तो यहां भी करूंगा x इंटू वाई, यहां भी करूंगा x इंटू वाई, x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा। तो बताओ वही आ गया कि नहीं आ गया, जो मैंने आपको ट्रिक से बताया, वही आ गया कि नहीं आ गया, जो मैंने आपको ट्रिक से बताया, क्लियर, बात समझ में आए, बोलो। ये तो हुआ प्रूव, अब हमें सेकेंडों में काम करना, तो हमें पता चल गया जब मोलर कंडक्टेंस एट इंफिनाइट डायलेशन फाइंड आउट करना है तो मोल जो है आयंस के उनको मल्टीप्लाई करना है, और अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इंफिनाइट डायलेशन करना है तो जो आयन के ऊपर चार्ज है उसी को वन बाई करके लिखना है, बोलो बात समझ में, आपका काम तो हो ही जाएगा। और ऑब्जेक्टिव में तो ये मैंने बता दिया, ऐसे क्यों होता है, कैसे हुआ, तो पक्का विश्वास हो जाता है कि जो लिखा वो सही है, और समझे नहीं समझे, बोलो, जो मैंने कन्वर्जन किया वो केमिस्ट्री के बेसिक चीज से किया, बोलो, नॉर्मलिटी मोलरिटी वैलेंसी फैक्टर इंटर कन्वर्जन, ये तो केमिस्ट्री की बेसिक चीज़ है, बोलो उसी का यूज किया मैंने। आपको मेरी बात समझ में आए, कोल्ड रोज का ये वाले जो क्वेश्चन मैंने बताया ये तो कोई भी कर सकता है, ये वाला है, क्लियर, ये तो कोई भी कर सकता है। मेन प्रॉब्लम कब आती है स्टूडेंट को, जब क्या पूछ लेता है वो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट मोलर कंडक्टेंस, बोलो आपसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इंफिनाइट डायलेशन, अब नोट करोगे आप, क्लियर।
मैं क्या सिखाना चाह रहा था, समझ में आई मेरी बात? बोलो। ओके नेक्स्ट करूँ मैं? बोलो। ओके
हो गया? ओके, तो आपको मेरी बात समझ में आई? वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते आता है बोलो। जैसे आज मैं आपसे कहूँ NaCl का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, तो आप कहोगे वैलेंसी फैक्टर एक होता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव का टोटल आयन जोड़ते हैं। आज मुझे कोई कहे AlCl3 का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, तो मैं कहूँगा 3 होता है, बोलो क्लियर? ओके, तो आज मुझे कोई कहे कि Na2SO4 का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, तो मैं कहूँगा बोलो वैलेंसी फैक्टर 2 होता है, क्लियर? ऐसे ही मुझे कोई कहे कि AXBY, क्लियर? बोलो एक्स ए बोलो प्लस वाई, वाई बी माइनस एक्स का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? एक्स इंटू वाई। तो मैंने एक्स इंटू वाई कैसे यूज किया, समझ में आया बोलो आपको? क्लियर? ओके, नोट कर लो ये। फिर ये बताया मैंने आपको, क्लियर? समझ में आया मैंने एक्स वाई कैसे यूज किया, क्लियर? ओके, इतना
इतनी बात समझ में आई? ये तो मैंने कोल्ड रोज का लो समझाया आपको, क्लियर। अब क्या हो रहा है कि कोल्ड रोज को लोगों ने पूछा, आपने जो स्टेटमेंट दिया है वो बोला है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का इन्फिनाइट डायलेशन पे मोलर कंडक्टेंस उसके आयन की इन्फिनाइट डायलेशन पे मोलर कंडक्टेंस के सम के इक्वल होता है। तो आप मुझे बताओ, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो तो 100% टूटता ही नहीं है। आप जो बात कह रहे हो वो तो उनके लिए लागू होगी जो 100% टूटते हैं, लाइक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे लागू होगी। फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर चालकता पर, अनंत तन्नुता पर मोलर चालकता कैसे निकालेंगे? ये कोलरोस से पूछा। मैं क्या बोल रहा हूँ, बात समझ में आए? बोलो। तो कोलरोस ने कहा मैं बताता हूँ, क्लियर। तो फिर कोलरोस ने क्या दिया, एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन, ओके, ऑफ, मैंने कहा, बोलो, कॉल रोस, ठीक है, कॉल रोस लो, ठीक है, क्या लिख रहा हूँ मैं, बोलो, कॉल रोस के नियम के अनुप्रयोग। कॉल रोस ने कहा मेरे लो के मैं पांच एप्लीकेशन बता रहा हूँ, क्लियर। पहला एप्लीकेशन क्या बताया, दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तन्नुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना, क्लियर। पहला एप्लीकेशन क्या होगा, डिटरमिनेशन, बोलो, मैंने लिखा यहाँ पर डिटरमिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इंफिनाइट डायलेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ठीक है जी। दूसरा इन्होंने बताया दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा, ठीक है, ज्ञात करना। बात समझ में आए? बोलो। डिटरमिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर, ओके, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है जी। तीसरा बताया दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन स्थिरांक, बोलो, के को ज्ञात करना, बोलो, डिटरमिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। लोगों ने रोका कोलरोस को कि सारी बातें वीक इलेक्ट्रोलाइट की बताओगे, किसी और की भी बताओगे? तो कोलरोस ने कहा कोई बात नहीं, दो एप्लीकेशन और दे देता हूँ, दूसरों को दे देता हूँ। मतलब इन्होंने अपने पांच एप्लीकेशन में से तीन एप्लीकेशन तो किसके बता दिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट का। लोगों ने पूछा था उससे, तो उन्होंने कहा एक नहीं, दो नहीं, लो तीन तीन बातें बता देता हूँ। किसकी? बोलो, वीक इलेक्ट्रोलाइट की, क्लियर। क्योंकि वीक का ही अल्फा होता है, वीक का ही क्या होता है, स्ट्रोंग का तो अल्फा होता ही नहीं, वन होता, बोलो, क्लियर। और बात समझ में आए? बोलो, ओके। फिर चौथा एप्लीकेशन बताया जल का आयनिक गुणनफल क्लियर ज्ञात करना, क्लियर। बोलो क्या है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, क्लियर। बोलो, डिटरमिनेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, यानी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है, KW। और समझे समझे बोलो, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है, KW, क्लियर, ओके, ज्ञात करना। और पांचवा बताया अल्प विलेय, ठीक है, अल्प विलेय
लवणों की विलेयता ज्ञात करना। क्लियर? बोले तो सोलेबिलिटी, क्लियर, मतलब वही डिटरमिनेशन ऑफ सोलेबिलिटी फॉर लेस सोलेबल सॉल्ट। क्लियर? ओके, तो ये पांच एप्लीकेशन किसके हैं? कोल्ड रॉस के। पांचों के पांचों हम पढ़ेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन आता है वो फर्स्ट ग्रेड का रिकॉर्ड है, यहीं से आता है। क्लियर? ओके, पढ़ाऊंगा मैं पांचों एप्लीकेशन, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? पहला वाला एप्लीकेशन। क्लियर? ओके, तो ये पांच एप्लीकेशन का नाम नोट करो और कल पांचों एप्लीकेशन सिखाऊंगा। क्लियर? ओके, ओके, तो पांच एप्लीकेशन के नाम पता चले आपको, कभी एग्ज़ाम आ जाए कोलरॉस ने कौन सा एप्लीकेशन नहीं दिया है या कौन सा दिया है, तो आपको पांच नाम मैंने बताए कि कौन से एप्लीकेशन दिए हैं। उसमें तीन एप्लीकेशन तो किसके हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट के, और सबसे इम्पोर्टेंट है नंबर वन। ओके, जिसको कल मैं पहले प्रोसीजर से और फिर हवा हवा में करना सिखाऊंगा। क्लियर? तो आज हमने क्या पढ़ा समझ में आया? हमने कोल्ड रोस्ट लॉ के समझा कि कोल्ड रोस्ट लॉ को कैसे अप्लाइड करना है। क्लियर? ओके,